निजामुद्दीन औलिया से हसद रखता था उसके गुलाम ने ही उसको कत्ल कर दिया। लेकिन एक और करामत सुनिए आपकी। एक और करामत सुनो ख्वाजा निजाम की, अल्लाह के प्यारे वली आली मकाम की। हासिद गयासुद्दीन तुगलक का है वाकया। ये गयासुद्दीन तुगलक जो उस वक्त दिल्ली का बादशाह था उसका किस्सा है। हासिद गयासुद्दीन तुगलक का है वाकया, जब एक मुहिम पे दिल्ली से बंगाल को गया। ये हुक्म दे गया कि दिल्ली छोड़ दे निजाम, वरना वकार उनका मिटा डालूंगा तमाम। वापस मैं आके दूंगा उन्हें वो कड़ी सजा, दिल उनका सारी जिंदगी आंसू बहाएगा। बंगाल से जब चल दिया मगरूर बादशाह, तहरीरी तौर पर दिया फिर हुक्म इंतबा। वो बादशाह बंगाल से फतेह हासिल करके दिल्ली की तरफ जब चला तो उसने एक तहरीरी तौर पर इंतबा के लिए हुक्म जारी किया। उसमें यह लिखा हुआ था कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ जाएं, वरना मैं उनको जबरदस्ती निकालूंगा। तो क्या वो दिल्ली तक आ पाता है? समाप्त कीजिए। सब लोग दिल्ली शहर में मगमूम हो गए, महबूब इलाही से कहा जाके इज्ज से। आया है हुक्म शाह का दिल्ली में पहुंच कर, बाहर करूंगा दिल्ली से ख्वाजा को खींच कर। लेकिन हजरत कहीं ले जाइए तशरीफ जल्द दर। लोग उनको सलाह देते हैं कि आप हुजूर कहीं चले जाइए, वो बादशाह बहुत जालिम है, वो आकर आपको जबरदस्ती निकालेगा शहर से। मगर आप क्या फरमाते हैं उन लोगों से जो आपसे ये कह रहे थे? हजरत कहीं ले जाइए तशरीफ जल्द तर, वरना हुजूर आपको पहुंचेगा कुछ जरर। फरमाया ये हुनूस दिल्ली दूरस्त बस। आप फरमाते हैं कि अभी तो दिल्ली दूर है, अभी वो दिल्ली के करीब भी नहीं आ पाया है। फारसी में आप कहते हैं कि फरमाया ये हुनूस दिल्ली दूर अस्त बस। 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 और अल्लाह के बार है मेरा तो हर नफस। अल्लाह निगेबान है, मत घबराओ, मेरा अल्लाह निगेबान है। और अभी तो दिल्ली बहुत दूर है उसके आने के लिए। देखो क्या होता है आगे। आप हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया? हजरत अमीर खुसरो से फिर आपने कहा, ले जाओ तुम ये खान एक मजजूब को देना। आप ये खान सजाकर उसमें क्या भेजते हैं एक मजजूब फकीर के पास? सुनिए। महमूद उनका नाम है, कहना मेरा सलाम। खामोश रहना उनसे, तुम करना ना कुछ कलाम। खुसरो वो खान लेके गए उस मकाम पर, मजजूब जहां लिपटे थे तामीरी काम पर। वो मजजूब क्या कर रहे थे? उनका काम ये था कि वो रोज एक दीवार बनाते थे शाम तक और फिर उसको गिरा दिया करते थे। हजरत अमीर खुसरो वो खान लेकर हजरत महबूब इलाही का जो खान था जो आपने दिया था वो लेकर उन बुजुर्ग के पास जाते हैं और क्या उनसे कहते हैं? सुने। वो रोज एक दीवार बनाते थे शाम तक, फिर उसको गिरा देते थे रोजाना बेधड़क। देखा जो खुसरो के लिए बोले ये लाए क्या,
खुसरो ने उनको आपका वो खान दे दिया। कपड़ा हटा के देखा तो तरबूज उसमें था, उस तश्तरी में एक तरबूज रखा हुआ था और तरबूज के बराबर ही एक छुरी रखी हुई थी। कपड़ा हटा के जब वो फकीर देखते हैं तो तरबूज आप देखते हैं, और फिर आगे क्या होता है। कपड़ा हटा के देखा तो तरबूज उसमें था, रखी थी एक छुरी भी, ये महमूद ने कहा कि करते हैं खुद तो सल्तनत, अच्छे हैं वो निजाम के कत्ल कराते हैं हमसे भेज कर सलाम। तरबूज फौरी काट के पानी बहा दिया, उन बुजुर्ग ने वो तरबूज काट कर और पानी बहा दिया। उसके बाद दीवार से वो टोकरी मारी, तभी कहा कि जरब इसकी पढ़े बरसरे तुगलक मेरे खुदा, तुगलक के सर पे लकड़ी का एक महल गिर पड़ा। सारे शहर में मुश्तहर ये बात हो गई, 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 सारे शहर में मुश्तहर ये बात हो गई। मारा गया तुगलक ये करामात हो गई, मारा गया तुगलक ये करामात हो गई, मारा गया तुगलक ये करामात हो गई, मारा गया तुगलक ये करामात हो से वापसी पर लोगों ने उसके इस्तकबाल के लिए दिल्ली से कुछ दूर पर एक चोबे महल बनाया था बहुत खूबसूरत। बादशाह को आते आते दिल्ली थोड़ी रात हो गई, उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर आराम करूं, सुबह जाकर निजामुद्दीन से पूछूंगा कि उन्होंने मेरा कहना क्यों नहीं माना और अभी तक शहर से क्यों नहीं गए। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि उसी रात जब वो महल में सो रहा था तो एक बिजली गिरती है उस महल पर और वो बादशाह उसी महल में मर जाता है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। दरबार में एक भीड़ लगी फिर आवाम की, हर कौम मोतकिद हुई ख्वाजा निजाम की, हजरत की शान हो गई जाहिर आवाम पर, सब लोग हो गए फिदा हजरत के नाम पर, सबने खुशी मनाई यूं जैसे के आई ईद, दस्ते जनाबे आली पे लाखों हुए मुरीद, सब हिंदू मुसलमान उनके मोतकिद हुए, सब बामुराद होते थे हजरत के फैज से, ता जिंदगी रहा यही उनके करम का हाल, 18 रबीउस्सानी को फरमाया इंतकाल। 18 रबीउस्सानी सन 725 हिजरी बुध के रोज आपने इस जहाने फानी से रुखसत की, आप पर्दा कर गए। किस तरह ता जिंदगी रहा यही उनका करम का हाल, 18 रबीउस्सानी को फरमाया इंतकाल, सन 725 हिजरी बुध का रोज था, पर्दा किया जहान से अज हुकुमे किबुरिया, फैज़े चमन है आज भी उनका बहार पर, फैज़े चमन है आज भी उनका बहार पर, फैज़े चमन है आज भी उनका।
पर वैसे चमन है आज भी उनका बहार पर वैसे चमन है आज भी उनका बहार पर वैसे चमन है आज भी उनका बहार पर ऐ शौक जाके देख लो उनके मजार पर